शादी का झांसा देकर युवती से करता रहा दुष्कर्म। युवती ने थाने में पेश होकर कराई आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। सिविलाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें युवती ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि टोंग निवासी श्रीकांत आनंद शादी का झांसा देकर उससे 2018 से दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन जब युवती ने युवक से शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इसीलिए पीड़ित युवती ने दुखी होकर थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 376 में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर क्या मामला है और किस तरह कल का कल सिविल लाइन थाना पे एक पीड़िता ने उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि सन 2018 से उसके एक लड़के श्रीकांत आनंद जो टोंक निवासी है उससे उसके संबंध थे, जिसने उसको कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, उसके साथ उसने गलत संबंध बनाए और अब वो उसको शादी के लिए मना कर रहा है। जिस रिपोर्ट पे 376 में मुकदमा दर्ज किया गया, पीड़िता का मेडिकल कराया गया, आगे अनुसंधान जारी है। पीड़िता जो है मैरिड है क्या? नहीं, अनमेरिड है। उसको शादी का ही झांसा दिया गया कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा और वो शादी नहीं कर रहा। उनसे लगभग 2.5-3 साल से उनके इस झांसे में रख के उसने संबंध बनाए और अब वो मना कर। तो क्या एक ही समाज के आप मिलने वाले हैं या कैसे हैं आरोपी और ये? नहीं, समाज का अभी नहीं है, लेकिन ये आपस में नॉन है जब भी इस तरह के बात हुई। आरोपी कहाँ का, क्या आरोपी टोंक का है, करता क्या है ये अभी जानकारी नहीं है।